इसी प्रकार अपने सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एक बार प्रेम सहित मिलकर बोले, प्रेमियों, एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए एक संत ने अपने पास बैठे व्यक्ति से पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने उन संत को उत्तर दिया कि महात्मन, मैं जौहरी हूँ और हीरे जवाहरात का व्यापार करता हूँ। अपने कारोबार की तरफ पूरा पूरा ध्यान देता हूँ, इसीलिए आपकी कृपा से मैं सदा ही लाभ में रहता हूँ, हानि आज तक मैंने नहीं उठाई। उस जौहरी का उत्तर सुनकर संत जी मुस्कुराकर कहते हैं, आप तो ये सोचकर हृदय में बड़े ही प्रसन्न हो रहे हो कि आप व्यापार में सदा लाभ कमा रहे हो, परंतु सच्चाई यही है कि आप निरंतर अपना घाटा कर रहे हो, अपनी पूंजी धीरे धीरे नष्ट कर रहे हो। जौहरी ने पूछा, वो कैसे? संत कहते हैं कि परमात्मा ने श्वासों की जो यह अनमोल पूंजी आपको दी है, इसे देखकर ही आपको संसार में भेजा है। जीवन का सच्चा लाभ तो ये है कि इस पूंजी से आप नाम और भक्ति रूपी सच्ची वस्तु खरीदें, जो परमात्मा के धाम में आपका मुख उज्जवल करेंगी। परंतु इस अनमोल पूंजी से माया के पदार्थ और शरीर इंद्रियों के सुख भोग को एकत्र करके आप ये समझते हैं कि आप लाभ कमा रहे हो। बिल्कुल नहीं, यह जीवन का लाभ नहीं है, यह तो महान हानि है, क्योंकि आप इन सांसों की अनमोल पूंजी को नाम और भक्ति की कमाई के बिना व्यर्थ गंवा रहे हैं और निरंतर घाटे की ओर जा रहे हैं। जैसा कि कथन भी है कि जिस प्रभु भक्ति की महिमा का वेद पुराण और संत जन गायन करते हैं, उस भक्ति के समान क्या कोई अन्य लाभ है? हे भाई, मनुष्य शरीर पाकर भी यदि प्रभु का भजन सुमरण नहीं करता तो क्या संसार में इसके समान कोई हानि है? कहने का तात्पर्य यही है कि श्वासों की अनमोल पूंजी को प्रभु की भजन भक्ति और नाम सुमरण में लगाना ही मनुष्य के लिए परम लाभदायक है। इसीलिए सेठ जी, आप अभी से ही सावधान हो जाइए और संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कीजिए, उनसे सच्ची और अनमोल पूंजी से सच्चे नाम का व्यापार कीजिए, क्योंकि सच्चे नाम का व्यापार करने वाले ही परलोक में शोभा पाते हैं। पर ठीक इसके विपरीत, जो श्वासों की इस अनमोल पूंजी से नाम भक्ति की कमाई न करते हुए इसे माया काया और उनसे संबंधित पदार्थों में नष्ट करते हैं और मालिक द्वारा प्रदान की हुई संपदा को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, फिर परलोक में भी पछताते हैं, दुख पाते हैं, रोते हैं। परंतु अब पछताने से क्या होगा, क्या हाथ आया, समय तो निकल गया। इसलिए संत महापुरुष पहले ही चेतावनी देते हैं कि नर तन पाया बड़े ही भाग्य से, जाग जाग अब प्राणी जाग से, कर ले सुमरन की सुधी प्राणी, बीती जात तेरी जिंदगानी। फिर संत जी उसे आगे समझाते हैं कि हमारे इस उपदेश का ये मतलब कदापि नहीं है कि आप अपना धंधा पानी बंद कर दे, व्यापार बंद करें और परिवार को त्याग दो और जंगलों में जाकर फिरो। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। हमारा तात्पर्य यही है, अपना कारोबार भी करो, साथ साथ में भजन सुमरण का कार्य भी अवश्य किया करो। हाथ पांव से काम करते हुए आप अपनी चित्तवृत्ति को सदा प्रभु की भजन भक्ति में जोड़ के रखो। सेठ जी गफलत की नींद से थोड़े जागे, फिर उन्होंने संत जी से पूछा, महात्मा जी, किंतु संसारिक काम करने के साथ साथ प्रभु की भजन बंदगी ये कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव है ये? फिर संत जी उसे आगे समझाते हैं। संत जी ने कहा कि संत नामदेव जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वे जाति के शिपी थे, कपड़े छाप कर अपना जीवन निर्वाह करते थे, अपना परिवार चलाते थे, किंतु ये कार्य करते हुए भी अपना चित्त जो है सदा प्रभु के सिमरण और ध्यान में लगाए रखते थे। एक बार ऐसे ही भक्त त्रिलोचन जी
उनसे मिलने के लिए गए। संत नामदेव जी की काफ़ी महिमा सुनी थी उन्होंने, तो जब वे संत नामदेव जी के घर पहुँचे तो उस समय नामदेव जी कपड़े छाप रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर भक्त त्रिलोचन जी सोचने लगे, ये तो अभी भी माया के धंधों में फंसे हुए हैं, ये भजन सुमरन क्या करते होंगे, काफ़ी महिमा सुनी है इनकी पर ये तो इसमें रमे पड़े हुए। तो वे संत नामदेव जी को कहने लगते हैं कि नामदेव जी, आपको तो अभी तक माया ने मोह रखा है, आप ये कपड़े छापने का काम किस लिए कर रहे हो, प्रभु नाम के साथ अपना चित्त क्यों नहीं जोड़ते। यह सुनकर संत नामदेव जी उनसे कहते हैं कि हे त्रिलोचन, मुख से प्रभु के नाम की संभाल करो, यानी सदा नाम का जाप करते रहो, हाथ पांव से सब काम करो, परंतु अपना चित्त सदा प्रभु के सुमरण ध्यान में लगा के रखो। अतः सेठ जी, आप भी इसी प्रकार संसार के सारे काम धंधे करिए, परंतु आपका जो ये चित्त है ये सदा ही प्रभु की भजन भक्ति में उनके सुमरण और ध्यान में लगा के रखिए। यदि आप अपना जीवन इस प्रकार से बना लेंगे ना, तो फिर आपका एक एक श्वास एक एक पल सफल होगा, क्योंकि घड़ियां तो वही सफल है जो भजन भक्ति लगती हैं। जो पल बीते भक्ति में सो ही सफल कहाई, भक्ति बिना जो पल गए सो किस लेखे माही। इसीलिए अपने अनमोल श्वासों की संभाल करें, अपना एक एक श्वास भजन सुमरण में लगाएं, इस अनमोल पूंजी से आप अनमोल लाभ प्राप्त करें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो, परलोक में भी मुख उज्ज्वल हो। संत जी के इन उपदेशों से वो जोरी बड़ा ही प्रभावित हुआ। संत जी से नाम दीक्षा लेकर वो उसी दिन से नाम भक्ति की कमाई करने लगा। प्रेमियों, हमें भी चाहिए कि संत महापुरुषों के वचनानुसार चलकर अपने इन मूल्यवान श्वासों की संभाल करें और श्वास श्वास में नाम भक्ति की कमाई करके अपना लोक परलोक सफल करें। संतवाणी में भी वचन आता है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, कहते संत सुजान, एक श्वास का मोल है 14 भुवन समान। कि मनुष्य का एक एक श्वास इतना अधिक मूल्यवान है कि उसका मूल्य संतों ने 14 भुवनों की संपदा के तुल्य कहा है। ऐसी अनमोल पूंजी परमात्मा की ओर से मनुष्य को प्राप्त हुई है और ये पूंजी दिन रात व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। जो इस अनमोल पूंजी के बदले नाम और भक्ति रूपी सच्ची और अनमोल वस्तु खरीदता है, वही लाभ में रहता है, वही तो असली फायदे में रहता है। क्योंकि ऐसी उत्तम वस्तु खरीद करने के उपरांत वो यहाँ भी सुखी रहता है और प्रभु के धाम में भी उज्ज्वल मुख होता है।